रामतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस पूरे मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलाना खलीम सिद्दीकी की निशानदेही पर इदरीश कुरैशी, सलीम और कुणाल उर्फ आतिक को एटीएस ने दबोचा है। और आरोप यह है कि सिंडिकेट में शामिल आरोपी धर्मांतरण को लेकर हवाला के जरिए फंडिंग का काम करते थे और तीनों के अकाउंट्स में 20 करोड़ की रकम होने का भी खुलासा हुआ है। जमीयत इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के अलग अलग अकाउंट से भेजी गई है। ये ट्रस्ट के इंडियन बैंक के अकाउंट में बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत से ही 1.5 करोड़ की रकम पहुंची है। पुलिस को भरोसा है कि इनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई और चेहरे बेनकाब होंगे क्योंकि कुछ दिन पहले टाइम्स और नवभारत ने एक स्टिंग ऑपरेशन देखा जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था किस तरह देश भर में बड़े पैमाने पर जबरन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है।